26 जून यानी कल का दिन बिहार की राजधानी पटना में काफ़ी अहम दिन होने वाला है, यूँ कह लें ऐतिहासिक दिन होगा। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में देश भर के तमाम विपक्षी चेहरे जो हैं वो जुटेंगे और रणनीति बनेगी साल 2024 के चुनाव की। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा विपक्ष से, इस पे भी चर्चा चलेगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा राहुल गांधी को लेकर के हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना में पहुंच रहे हैं। जिस दिन यानी 23 जून को जिस दिन राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी पार्टियों का जुटान करवा रहे हैं, उसी दिन गांधी परिवार के लिए काला दिन माना जाता है। काला दिन कैसे माना जाता है, चर्चा इस पर विस्तार से करेंगे। आपको बता दें कि 23 जून को राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक होगी, इसमें बीजेपी विरोधी पार्टियों के कई नेता शामिल होने वाले हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी को सबसे अहम माना जा रहा है, लेकिन इस तारीख को गांधी परिवार के लिए काले दिन के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि आज से 43 साल पहले 23 जून को ही राहुल गांधी ने अपने चाचा संजय गांधी को एक प्लेन दुर्घटना में खो दिया था। 23 जून 1980 की वो सुबह जब संजय गांधी की प्लेन उड़ाने की उत्सुकता उनके मौत का कारण बन गई। विदेश में पढ़ाई के वक्त संजय गांधी ने विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली, लेकिन वह एक प्रोफेशनल पायलट नहीं थे और यही उनकी मौत का कारण बन गया। उनकी मौत के बाद गांधी परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांधी परिवार के लिए यह दिन काला दिन के रूप में भी देखा जाता है। ये बात 1977 की है, जब 1977 में देश में इमरजेंसी खत्म हो गई और जनता दल की नई सरकार बनी, तब संजय गांधी से प्लेन उड़ाने का लाइसेंस छीन लिया गया। 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद संजय गांधी का लाइसेंस वापस कर दिया गया। आसमान में कालाबाजी करते हुए विमान पिट्स S2A उन्हें काफ़ी पसंद था। जनता दल के बाद इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो इस तरह के हल्के विमान को भारत लाने की बात शुरू हो गई। इसके बाद मई 1980 में कस्टम विभाग ने पिट्स S2A को भारत लाने की मंजूरी दी। इसके बाद यह विमान भारत लाया गया। विमान के भारत आने के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि इसे सिर्फ ट्रेडी पायलट ही यानी कि जो पायलट है वही उड़ाएंगे, दूसरा कोई नहीं उड़ाएगा। सरकार की सलाह के बावजूद संजय गांधी ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वह इस विमान को उड़ाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि 21 जून सुबह 7 बजे ही वह प्लेन उड़ाने के लिए प्रधानमंत्री आवास से निकल गए। इसके बाद 22 जून को संजय गांधी अपनी पत्नी मेनका गांधी, इंदिरा गांधी के विशेष सचिव RK धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ 40 मिनट तक प्लेन उड़ाया। अगले ही दिन 23 जून को संजय फिर से सुबह 7 बजे सफदरगंज के दिल्ली फ्लाइट क्लब के लिए निकल गए। प्लान बना था कि संजय के साथ माधवराज सिंधिया विमान उड़ाने जाएंगे, लेकिन जब सुबह वो प्रधानमंत्री आवास से निकले तो प्लान चेंज कर दिया गया और सिंधिया के घर न जाकर सीधा दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर सुभाष सक्सेना के घर पहुंच गए। इसके बाद दोनों ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब से सुबह 7:58 पर पिट्स S2A प्लेन टेक ऑफ किया। संजय लूप बनाकर नई दिल्ली के आकाश में 12 मिनट तक प्लेन उड़ाते रहे, तभी विमान का पिछला इंजन बंद हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के वक्त वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि जहाज पहले तो एक तीर की तरह सीधा ऊपर गया और ड्राइव मारने की तैयारी में एक लूप सा लेने लगा और फिर विमान क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद विमान दिल्ली के अशोका होटल के पीछे खाली जमीन पर जाकर गिरा। हादसे के बाद वहां कई लोग पहुंच गए। लोगों ने देखा कि संजय गांधी और कैप्टन सक्सेना मर चुके थे। घटना के बाद गांधी परिवार इन दिन को काले दिन के रूप में देखा जाने लगा है। बताया जाता है कि संजय गांधी जिंदा होते तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद वह उत्तराधिकारी बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 23 जून को राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक करना चाह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए अपना चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।